To our channel Learn Again Foundation. मैं हूँ रोमन, आई एम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, मेमोरी ट्रेनर, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर, ग्राफोलॉजिस्ट एंड प्राणी खेलर. आज हम एक बहुत अच्छी टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चों की मेमोरी पावर को कैसे एनहांस किया जाए उसके ऊपर है. दिस टेक्निक इज नोन एज विजुअलाइजेशन. बोर्ड पे आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं. विचारनो हमारे बच्चे डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं और इन्हें एज इट इज याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. पर अगर से मैं आपको बोलूं ये मैं आपको दो मिनट में या एक मिनट में याद करवा दूं तो आपके लिए कैसा रहेगा. और ऐसी कई चीजें हैं जो आप एकदम सिंपल तरीके से याद कर पाएंगे. तो अगर से मैं आपको बोलती हूँ कार्बोनेट, सोडियम, मैग्नीशियम, आर्गन, फ्लोरीन, बॉक्साइट, ऑक्सीजन, पोलोनियम, टाइटेनियम एंड गैलियम, तो एकदम से याद होना पॉसिबल नहीं है एज इट इज. एंड इवन इन द रिवर्स ऑर्डर तो पीरियोडिक टेबल हमें याद नहीं होता है. बट इफ यू यूज दिस टेक्निक विच आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम श्योर आप बहुत जल्दी याद कर लेंगे. अगर से कार्बोनेट को मैं आपको विजुअलाइज करवाऊं, इट्स कार का बॉनेट. कार का बॉनेट आपको याद रहेगा. कैन यू विजुअलाइज अ व्हाइट कलर कार एंड इट्स बॉनेट विच इज ओपन, राइट? नाउ द सेकेंड वर्ड इज सोडियम. कैन यू मेक इट रिजेम्बलेंस टू सोडा वॉटर? ठीक है. देन इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम से मिलता जुलता वर्ड मैगी चलेगा? आर्गन, एयर गन. कैन यू सी एयर गन? फ्लोरीन, फ्लोर पे बिखरा हुआ रिन, राइट? देन बॉक्साइट. बॉक्साइट मीन्स कोई ऐसा बॉक्स जो बहुत ज्यादा टाइट है. कैन यू इमेजिन अ बॉक्स विच इज वेरी टाइट? देन इज ऑक्सीजन. कैन यू सी एन ऑक्स राइडिंग अ ब्लू कलर जेन कार? आई नो दिस इज समथिंग लिटिल वियर्ड, आई विल टेल यू व्हाई वी आर डूइंग दिस. देन पोलोनियम. पोलोनियम मीन्स एक बड़ा सा पोल का खंबा जिसके ऊपर कुछ नियम लिखे हुए हैं. कैन यू इमेजिन दैट? देन टाइटेनियम. टाइटेनियम के लिए तो टाइटेनिक शिप ही आपको याद आ जाएगी. एंड गैलियम. गैलियम यानी हमारी गली, हमारी लेन. हमने ये वर्ड्स इसलिए लिए बिकॉज ये कहीं ना कहीं हम इसका पिक्चर अपने दिमाग में बना सकते हैं. आवर ब्रेन इज वेरी पिक्चर फोटोजेनिक है हमारा ब्रेन. अगर से किसी चीज की पिक्चर मिल जाती है तो हमारा ब्रेन जल्दी सीखता है. इसलिए तो हमें ये चार पांच वर्ड्स याद नहीं होते हैं, बट पूरी की पूरी 3 घंटे की मूवी हमें याद हो जाती है. कैसे होती है? बिकॉज वी आर ब्रेन वर्क ऑन दी पिक्चर बेसिस. अब इसमें हमें दो चीजें और एड करनी है. इसमें हमें कलर्स एड करने हैं, इस पे एक स्टोरी बनानी है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें खुद को इमेजिन करना है. जैसे कि इमेजिन कि आप बैठे हैं उस ब्लैक कलर के कार के ऊपर जिसका बॉनेट खुला है. ब्लैक कलर की कार जिसका बॉनेट खुला है और आप उस बॉनेट पे बैठ के सोडा वाटर में मैगी बना रहे हैं, ठीक है? मैगी बना रहे हैं. आपका पेट भर चुका है, ठीक है? तो अब पेट भरने के बाद में आपने क्या किया? एक एयर गन ली, एक गन ली, उसके अंदर उसे भरा और हवा में शूट किया. हवा में शूट करने से वो पड़ोसी के फ्लोर पे गिरा और पड़ोसी ने जोर से चिल्लाया, अब इसे रिन से साफ करो, ठीक है? और आप गए और आप रिन साफ, आप साफ कर रहे थे तब आपको एक टाइट बॉक्स मिला. आपने जैसे ही बॉक्स वो खोला, आपको उसमें से एक ऑक्स ब्लू कलर की जेन गाड़ी ड्राइव करते हुए बाहर आते हुए दिखा. वो जा रहा था किसी पोल के तरफ जिसके ऊपर नियम लिखे थे, ठीक है? और वो पोल जो था टाइटेनिक शिप के अंदर में था और वो टाइटेनिक शिप आपकी ही गली में खड़ी थी. आप बोलोगे व्हाट नॉनसेंस, ये कैसी स्टोरी है जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता. बट आई एम टेलिंग यू ये कुछ ऐसा डिफरेंट है, कुछ यूनिक है जो आपका ब्रेन तुरंत कैप्चर कर लेगा. सो लेट्स डू अ थिंग. फिर से मैं रिवाइज करती हूँ. आप इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और वापस से देखिएगा कि आपको कितने वर्ड याद हुए. सो स्टोरी स्टार्ट्स विद कि आप एक ब्लैक कलर के कार के बॉनेट के ऊपर बैठे हैं, वहां पे बैठ के आप सोडा वाटर में मैगी बना रहे हैं. मैगी बनाने के बाद में पेट भर गया, आपने उसे एयर गन में डाला और शूट किया जो पड़ोसी के फ्लोर पे गिरा. पड़ोसी ने चिल्लाया भी सर इनसे साफ करो. जब आप साफ करने गए आपको वहां पे एक बॉक्स मिला जो टाइट था. जब आपने उसे बहुत मेहनत से खोला तो उसमें से एक ऑक्स निकला जो ब्लू कलर की जेन चला रहा था,
जो किसी पोल की तरफ बढ़ रहा था जिसके ऊपर नियम लिखे थे और वो टाइटैनिक शिप के अंदर था और वो शिप आपकी ही गली के बाहर खड़ी है। अब इसे पॉज कीजिए और वापस ये स्टोरी रिकलेक्ट कीजिए। हो गया एंड नाउ कम बैक। अब मुझे बताइए कि फर्स्ट वर्ड क्या था। यस कार्बोनेट। सेकंड यस सोडियम। थर्ड मैग्नीशियम। फोर्थ आर्गन। फिफ्थ फ्लोरीन। देन बॉक्साइट। देन ऑक्सीजन। देन सोचो सोचो क्या आएगा ऑक्सीजन के बाद। यस पोलोनियम। पोलोनियम के बाद में टाइटेनियम एंड लास्ट इज गैलियम। इसे आप रिवर्स भी करेंगे तो भी आप भूलेंगे नहीं। सी कितनी सिंपल मेथड है ना कोई भी चीज याद करने के लिए। यूज दिस टेक्निक एंड यू वुड इफ यू लाइक टू नो मोर अबाउट द डिफरेंट टेक्निक्स प्लीज राइट टू अस कमेंट टू अस एंड वी विल हेल्प यू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।